नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल AB Insight में और मैं हूं ब्रजेंद्र। दोस्तों, एडेड जूनियर हाई स्कूलों में भर्ती को लेकर के एक अपडेट आई है कि बेसिक शिक्षा नियमावली में जल्द बदलाव होगा और कैबिनेट में इसके लिए कल प्रस्ताव पेश हो सकता है। तो पूरी अपडेट क्या है जान लेते हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। दोस्तों, आज के इस प्रमुख समाचार पत्रों में इसके बारे में दिया गया है कि एडेड जूनियर हाई स्कूलों में भी सरकार करेगी भर्ती। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे अभी तक एडेड जूनियर हाई स्कूलों में भर्ती वो मैनेजमेंट अपना करता था, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर भर्ती सरकार करेगी। तो इसी के बारे में अपडेट दिया गया, देख लेते हैं। दिया गया, प्रदेश के एडेड जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की भर्ती अब सरकार करेगी। इसके लिए लिखित परीक्षा होगी और बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली में बदलाव किया जाएगा। मंगलवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इसका प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। तो कल इसकी कैबिनेट की बैठक होने वाली है, तो यहाँ पर इसका जो नियमावली का प्रस्ताव है पेश किया जा सकता है, ठीक है। आगे दिया गया कि प्रदेश में 3,000 से अधिक सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल हैं। यहाँ के शिक्षकों व कर्मचारियों के वेतन का खर्च सरकार वहन करती है। अभी इनकी भर्ती का अधिकार प्रबंध तंत्र के पास है। पिछले महीने की शुरुआत में शासन ने आदेश जारी कर सभी भर्तियों पर रोक लगा दी थी। तो दोस्तों, अभी तक रोक लगा दी थी कि मैनेजमेंट अब भर्ती नहीं करेगा, अब इसमें जो भर्ती होगी वो सरकार करेगी, ठीक है। यहाँ पे भी नीचे दिया कि भ्रष्टाचार की लगाम की कवायद। भर्ती पर रोक लगाए जाने के आदेश में कहा गया था कि प्रबंध तंत्र की ओर से की जाने वाली भर्तियों में भ्रष्टाचार, अनियमितता की बड़ी पैमाने पर शिकायतें मिलती हैं, इसलिए बेसिक शिक्षा नियमावली में बदलाव कर अब ये भर्ती सरकार अपने हाथ में लेने की तैयारी कर रही है। अब ये भर्ती सरकार करवाएगी। जहाँ तक शिक्षकों की भर्ती को लेकर के अपडेट है, तो शिक्षकों की भर्ती का उम्मीद ये है कि शिक्षकों की भर्ती जो नया आयोग बन रहा है उससे भी आ सकती है, बल्कि जब और चयन बोर्ड से भी आ सकती है, ठीक है। तो अभी कुछ स्पष्ट नहीं है, जो नया आयोग बनेगा उस पर भी भर्ती जा सकती है, उसके पास भी और चयन बोर्ड के पास भी जा सकती है। लेकिन जो शिक्षणेत्तर पद होंगे यानी जैसे चपरासी, क्लर्क, वो सब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जरिए भरे जाएंगे, ठीक है। तो ये अपडेट है और इससे संबंधित कुछ समाचार पत्र और हैं, उनमें भी अपडेट आया था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले का अपडेट है कि BLED DLED वाले बन सकेंगे एडेड जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक। तो यहाँ पर भी BLED DLED वाले भी अब पात्र होंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है। BED वाले तो ऑलरेडी पात्र थे, अब BLED DLED भी पात्र हो गए। आपको बता दें, यहाँ पर TT अनिवार्य होगा, इसलिए जिसका भी TT है उसके लिए बहुत अच्छी बात है। TT का जो एग्ज़ाम है CTET 8 दिसंबर को है और UPTET 22 दिसंबर को। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, आने वाले साल में आपको भर्ती ये भी देखने को मिलेगी, ठीक है। आपको बता दें, एक विद्यालय में कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 4 अध्यापक के पद होते हैं और एक प्रधानाध्यापक का पद होता है। पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 3,082 एडेड जूनियर हाई स्कूल हैं, ठीक है। तो और शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को मिला दिया जाए तो कुल मिलाकर के 24,000 पद हैं, ठीक है। तो इन पदों पर अब जो भी भर्तियां होंगी वो सरकार के माध्यम से होंगी, सरकार कराएगी, आयोग करवाएगा और इसके लिए साफ दिया गया अब लिखित परीक्षा होगी। तो आप लोग इसकी तैयारी करें। हालांकि इसकी न्यूज़ तो काफ़ी दिनों से आ रही है, लेकिन अब थोड़ी सी इसमें रफ्तार आई है, तो आपको नए साल की शुरुआत में आपको भर्ती देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये दोस्तों फिलहाल अपडेट हो गई। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसी तरीके की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।